जाती है। जो ऐसी मोहब्बत करते हैं खुदा कभी माफ़ नहीं करेगा, किसी कीमत पर छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एलिय्याह जब यरदन नदी पर पानी के ऊपर अपनी चादर मारकर आया, एलिशा एक पल के लिए भी अपनी आंख को झप करने भी नहीं दे रहा, क्योंकि उसे पता है उस्ताद के साथ मैं चला तो जाऊंगा, वापस कैसे आऊंगा। क्या दिखा तो उस्ताद ने स्पॉन्ड चक्कर से फैले दे, नहीं तो नहीं पता है, नहीं तो तुम थोड़े गौर में देखिए। उस्ताद जो होगा वो पुलपुट पर आकर तभी बोलेगा जब पूरा मटीरियल उसके पास होगा। हालेलुया, उसके साथ आप बात ना कर पाओगे। तो यदि वो पूरी तैयारी के साथ ना हो तो वो उस्ताद भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट वीक में हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं पहले उस गुलाम को बता चुका हूँ कि हमें घड़ा बनना है खुदा के लिए, खुदा की मर्जी का घड़ा। जितनी देर तक उसकी मर्जी का घड़ा नहीं बनते, इस जहान के सागर में से कभी पार नहीं जा सकते। पार जाने के लिए सबसे पहले घड़े की पहचान होनी चाहिए, वो पक्का होना चाहिए। कच्चा लेके गई सी सोनी, नाल घड़ा भी फुर गया, आप भी रुड़ गए, नाल बेचारा दूजे पास होता रुड़ गया, वो बचाना ही रुड़ गया। जब तक पक्का लेकर जाती रही कोई टेंशन नहीं। एक मुंडे कुड़ी की स्टोरी नहीं की, लिखने वाले ने आत्मा ते परमात्मा दे उत्ते एक स्टोरी लिखी, कहानी लिखी है। जिहड़ा घड़ा है वो एक पक्के उस्ताद नूं दिखाउंदा है, जिहड़ी सोहणी है वो रूह नूं दिखाउंदी है, ते जिहड़ा महिमान है वो खुदा दी सूरत है। हालेलुया, जदों तक मिलन जांदी सी पक्के दे उत्ते उदों तक कोई नुकसान नहीं होया। अज कच्चे पक्के समय के जाई जाने चनाव के मुकाबला तो बड़ा मुश्किल है ना। हले लुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हले लुया, उसे पता था कि वापस आना है, इसलिए वो उस्ताद की हर एक गतिविधि पर पूरी नजर टिकाए हुए है। हले लुया, मुझे याद है जब मैं अपने उस्ताद के पास जाता था तो वो पहले कह देते आज देखना है पहले कौन सा होता है, तो हम पहले ही नींद को उड़ा कर जाते थे। हालेलुया, पहले ही चंगा सौनी दस पता है उस्ताद को चले हैं तो फिर उसे मुकाबला होना। हालेलुया, पहले से तैयारी होनी चाहिए, प्री तैयारी। और खुशकिस्मती से उस्ताद मिलते हैं जिनके पास खुदा का कलाम होता है। हालेलुया, और उनकी पहचान भी कुछ कम ही लोगों को होती है जिनमें वही आत्मा होता है, क्योंकि लिखा आत्मा आत्मा की बातों को पहचान लेता है, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा की बात परमेश्वर का आत्मा ही जान सकता है, जैसे इंसान के आत्मा की बात इंसान जानता है। तो अब वो जब अपनी चादर उसने लपेटनी शुरू की तो एलिय्याह की नजर जो थी वो पूरी चादर के ऊपर लगी हुई थी कि ये किस तरीके से उसको लपेट रहा है, कितने बल उसको दे रहा है, एक एक बल को वो गिन रहा है, क्योंकि उसे पता है कि एक भी बल कम हुआ तो यर्दन दो हिस्से दोबारा नहीं होगी। हालेलुया, आज कहते कोई गल नहीं यर्दन ना होगी दो हिस्से तो तैर के चल जाए, तैरना सीख लेंगे पर तरीका नहीं सीखते। हालेलुया, तैरना सीख लेंगे पर तरीका नहीं सीखेंगे। खुदा कहता है तरीका सीखो, मेरी इबादत का तरीका जो मैंने बताया उस तरीके से इबादत करोगे तो कबूल, नहीं तो जितना मर्जी माला पढ़ी जाओ, राम राम कही जाओ, यसु यसु कही जाओ, वाहेगुरु वाहेगुरू करी जाओ, अल्लाह अल्लाह कही जाओ, ये माला दे विच जे अल्लाह हुंदा तां तेरी उंगल नूं फेर सकदी ते फिर तेरी उंगल ते अल्लाह तो वड्डी होई जांदी, फिर तेरी तू तां अपनी उंगलियां च अल्लाह नूं घुमाउण डिया ना। इंसान के ऊपर शैतान ने अपना ऐसा जाल रखा है, उसकी बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट किया है कि सब कुछ जानते हुए भी वो अनजान बना हुआ है, उसे पता ही नहीं कि मैंने क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। साढ़े गदारी हों भेटा बना रही फुलना करोड़ मालने पत्ते पत्ते शेर वाली पत्ते पत्ते शेर वाली माई
मैं क्या पत्ते गल जाते हैं सड़ जाते हैं कूड़े सुट देते जाते माई इदा दी है लिखा उन्होंने उसे रेंगने वाले जीव जंतुओं का रूप दे दिया, जानवरों का रूप दे दिया, पंछियों चुपाओं का रूप दे दिया। इस तरीके से बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हुई है, पता नहीं चलता कि माला फेरने से तेरी माला नहीं फेरेगी। जितनी देर तक तेरे दिल के गेड़े बराबर नहीं चलते उतनी देर तक कोई भी फायदा नहीं है। पूरे बल गिरे उसने जब उस्ताद उठा लिया गया वापस जर्दन पर आया, उसी तरीके से उस्ताद की चादर को लिया, उसी तरह से लपेटा और पूरे लपेटे करके फिर उसको जर्दन नदी पर मारा और कहता है बोल एली जाकर खुदा कहाँ है। हालेलुया, मेरा खुदा नहीं, किसका खुदा जी? अगर चार के लाइन आए नहीं बाइबल नहीं कहते तेरा खुदा साडा खुदा साडा खुदा, तो ये क्या कह रहा है? बोल एलीजा का खुदा कहाँ है। और पानी दो हिस्से में होकर जवाब दे रहा है, अलीशा चिंता मत कर, एलीजा का खुदा अब तेरे साथ है। अपनी आंखें बंद करें, सिर मुड़ के धन्यवाद देते हैं सब थोड़ी देर के लिए तारीफ के। खुदा आपको आशीष देना चाहता है, रूह की आशीष, रूहानी आशीष, स्वर्गीय आशीष, वो आपके जीवन को बदल देना चाहता है। इस 60-70 साल की जिंदगी से छुड़ाकर वो आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। तंग रस्ते को अपना ले, तंग रस्ता है जो उसकी बादशाहत में लेकर जाएगा। यदि आज तक खुले रस्ते पे चलते थे तो बंद कर दो, तंग मार्ग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। तंग मार्ग तुझे यीशु के पास लेकर जाएगा, तंग मार्ग तुझे स्वर्ग की बादशाहत में लेकर जाएगा। इस तंग मार्ग में बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारी अड़चने हैं, बहुत सारे दुख हैं। इन सारे दुखों पर तुझे फतह पानी है, तुझे आत्मा की अगुवाई में चलना है। यदि पुत्र कहलाना है, यदि उसके घर में जन्म लेना है, तो तेरे लिए जरूरी है कि तू पापरू की अगुवाई में चले। कोई भी काम अपनी अकल से नहीं बल्कि पाक रूह से पूछ कर करे। जब तू आत्मा की अगुवाई में चलेगा, तेरे अपने आत्मा की सारी मलिनता को वो दिन प्रतिदिन धोता जाएगा, तुझे कुंदन सोने की तरह वो शुद्ध कर देगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जैसे मेरा स्वर्गीय बाप कामिल है वैसे तुम भी कामिल हो जाओ, क्योंकि कामिल के साथ मिलने के लिए कामिल होना जरूरी है, पवित्र के साथ मिलने के लिए पवित्रता का होना जरूरी है। उसके जैसे होंगे तभी उसकी बादशाहत में जाएंगे। जो संसार से प्यार रखता है वो मेरे काबिल नहीं। संसार का मित्रचारा, संसार की दोस्ती परमेश्वर से वैर है, ये मैं नहीं बल्कि पाक कलाम कहता है। और यीशु कहता है इस संसार पर मैंने फतह पाई है, अब पात्रों दिया है कि हम भी इस संसार पर फतह पाए। आइए आज फैसला करें, शरीर की सारी मलिनता को धोएं, शुद्ध करें, आत्मा की सारी मलिनता इससे शुद्ध हो जाए, उसके रूप में दिन प्रतिदिन बदलते जाएं। जब उसकी सूरत पर पूरे बन जाओगे वो आएगा, तुझे साथ ले जाएगा, हमेशा की जिंदगी के लिए। तेरा शुक्र उसके मांस को कड़वे साथ के साथ खाते रहो, पालो जिंदगी भर खाते रहो, ताकि कड़वी चीजों का तुम्हें एहसास हो सके, कड़वी चीजों की पहचान हो सके। और जब तुझे पहचान हो जाएगी तू उन्हें छोड़ता जाएगा, और जितना ज्यादा तू उसके मांस को खाएगा
उतना ही तो उसके रूप में बदलता जाएगा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र। आवेगा यीशु सिय्योन बना के कामिल संतानु नाल ले जाके देवे अपना योनानु जला देवे अपना योनानु जला तेरा शुक्र खुदा दिती प्यास बुझा तेरा शुक्र खुदा दिती प्यास बुझा अपने रूह दे नाल कीता तू निहा अपने रूह दे नाल कीता तू निहार तेरा शुक्र खुदा दिती प्यास बुझा तेरा शुक्र खुदा दिती प्यास बुझा। सचमुच उसका कलाम कहता है जो प्यासा है मेरे पास है मैं उसे अमृत जल दूंगा वो जल जिसे पीकर वो कभी प्यासा ना रहेगा बल्कि वो एक सोता बन जाएगा और दूसरों की प्यास को बुझाने के काबिल हो जाएगा। वो खुद अमृत है और जो उसे मिल जाता है वो भी अमृत हो जाता है। वो पाक है जो उसे मिल जाता है वो भी पाक हो जाता है। वो परमेश्वर है जो उसके आत्मा की अगुवाई से चलता है वो भी परमेश्वर हो जाता है। इसे उसका कलाम कहता तुम खुदावद हो मैंने तुम्हें चुन लिया है। ऐ बाप आसमानी तेरी तारीफ तेरे शुक्र करते हैं तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए तेरे कलाम के लिए खुदावन जो तूने अपने कलाम के द्वारा आज हम सबसे बात की है खुदा। सचमुच तेरा कलाम हरेक जिंदगी में बस जाए खुदा हरेक जिंदगी तेरी बादशाहत को देखने वाली नहीं बल्कि उसमें दाखिल होने वाली हो जाए। तेरे कलाम का बीज व्यर्थ ना होने पाए खुदावन हालेलुया क्योंकि तेरा कलाम वायदा करता है तेरा बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता बल्कि फल लेकर आता है। इसलिए हरेक जिंदगी वैसा फल है खुदावन जैसा तू चाहता है क्योंकि तेरा कलाम कहता है बुरा दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है और अच्छा दरख्त भी अपने फलों से खा लेते हैं। यदि हम पाक रूह की अगुवाई से चलते हैं तो पाक रूह के फल नजर आने चाहिए हरेक जिंदगी में नजर आए खुदावन। तू दया कर हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पात्रों की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। खुदा सबनों आशीष दे।